जी जनाब मोहम्मद फारूक आजम साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मेहरबानी किया करें, जब जिस इलाके का इशू हो उसको जरूर मौका दिया करें। मैं बहावलपुर से, बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी का सदर रहा हूं, फिर सब कुछ देख के मैं तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ। मुझे पता है कि जनूबी पंजाब का आपके आइन में शामिल है, लेकिन जमहूरियत इसी का नाम है कि हम खान साहब को अपने मतालबात, अपने खदशात असम्बली में पेश करें और हम मुंह बंद। और आपकी खूबसूरती भी इसी में है कि आप हमारी बात को सुने कि हमारे साथ क्या हुआ है और किस तरह हम गुजार रहे हैं। हमारा मसला बहावलपुर का, जैसे ही पाकिस्तान बना तो बहावलपुर पहली रियासत थी पूरे हिंदुस्तान में जिसने पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान की तनख्वाहें चलाई, पाकिस्तान को असला दिया, पाकिस्तान को फौज दी। हत्ता के कायद आजम जिस घर में रह रहे थे वो कराची में नवाब बहावलपुर ने उनकी बहन के नाम कर दिया। ये थी हमारी कुर्बानियाँ और हमें मिला क्या। उसके बाद 1951 में हमारी असम्बली वजूद में आई, नवाब साहब ने अपने अख्तियार विदड्रा कर दिए और वो असम्बली 1954 तक चली। हमारा वजीर आला था, 49 मेम्बरान की असम्बली थी। या उन्होंने वह कहा जी पाकिस्तान का फायदा वन यूनिट में है, तो उसने कहा जी चश्मे मारा शंदिल है माशा जो करना है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मैंने पाकिस्तान को हवाले कर दिया। फिर जब हुआ सिलसिला कि जब उन्होंने कहा, याया खान ने कहा मैं वन यूनिट ख़त्म कर रहा हूँ, तो मुहदा ये था कि बहावलपुर अपनी असली हालत में आएगा, हमें वापस सूबा नहीं बनाया गया। हमारी तहरीक चली, जनाब स्पीकर आप सुने हमारी बात, हमारी तहरीक चली और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन आ गया। उस वक्त जहां वो खंभे को कड़े करते थे तो वो हो जाता था, हमने वो इलेक्शन बहावलपुर डिवीजन में, बहावलपुर सूबे में, बहावलपुर रियासत में स्वीप किया, सिवाय दो सीटों के बाकी सारी सीटें बहावलपुर महाज की हुई। उस तहरीक में गोलियां चली, नौजवान बच्चे शहीद हुए। मेरे इसी झोली में उस अब्बासी बच्चे का शहीद का उसने आखिरी सांस दिया और उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, आपने मेरी बात आगे चलानी है। जनाब स्पीकर उसके बाद 1970 का ढाका सकूत हो गया, वो लोग जो यहां से गए थे वो अपने वादे से मुकर गए। हमारी हालत, हमारा दरिया भेज दिया गया 1964 में, इंडस वाटर ट्रीटी में हमारा दरिया चला गया, हम 95% ज़रात पेशा लोग हैं। फिर किसी ने आवाज़ ना उठाई, किसी ने हमारी तरफ तवज्जो न दी। फिर 90s में आके इन्होंने हमारा सिस्टम, हर चीज़ अपनी थी, हमारा पानी का हेडक्वार्टर अपना था, तकसीम अपनी थी, हेड पल्ला, हेड सुलेमान की, हेड पंजद रियासत के पैसों से बने हुए थे, जिनसे आज आप लाखों करोड़ों एकड़, हमें मिला क्या। जनाब ये जनूबी पंजाब और सरायकी की बात 80 में आई है, हम 70 से रो रहे हैं। फिर हमारे साथ मुजाकरात हुए कि जी हम बात करते हैं, जो भी हुकूमत आई, भुट्टो साहब ने आखिर में कहा 76 में, भाई मैं आपसे बात करूंगा, 77 का इलेक्शन होने दे। हमने कभी नहीं कहा कि जनूबी पंजाब या सराय की सूबा ना हो, हम कहते हैं बनाएं, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें एक आर्डर से, एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें वहां से निकाल बाहर किया। हम कहते हैं उसी आर्डर को बहाल करके हमारा सूबा बनाया जाए, हमारा कोटा अलहदा है, हमारी शनाख्त अलहदा है, हमारा पानी इन्होंने छीन लिया मुल्तान वालों ने। जनाबे वाला अगर जनूबी पंजाब हमारे साथ आता है, हमें मुल्तान पे एतबार नहीं है, मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ, हम अपने खान को बताएंगे, हम खान से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे, क्योंकि मुल्तान ने जब भी मारा है हमारा हक मारा है, उन्होंने हमें हमारी नौकरियां छीन ली, उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी छीन ली, क्योंकि फासला 100 किलोमीटर का है। जनाब स्पीकर आप ये मसला, और हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे बात करके ये मामले को तय किया जाए, ये नहीं कि तीन आदमी यहाँ से बैठ के हमारी किस्मत का फैसला कर दें। जनूबी पंजाब ने कभी तहरीक नहीं चलाई जनाब स्पीकर, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैं कह रहा हूँ, और जनूबी पंजाब के जो लोग खड़े हुए सराय की सूबे के नाम पे 1500 वोट से ज्यादा नहीं लिए।
हम सब इम्तिहान पास कर चुके हैं, हमने इलेक्शन जीता, हमने मारें खाई, हमारे हर घर का, चाहे वो बड़ा आदमी था, चाहे वो अब्बासी था, चाहे वो बादशाह का बेटा था, वो जेल में गए, हमने सजाएं भुगती। हम कैसे जनाब स्पीकर भूल सकते हैं अपने उन शहीदों को? ये मसला हम खान साहब की खिदमत में ले जाएंगे, वो हमारे जो फैसले करेंगे हम बिल्कुल उसको मंजूर करेंगे, लेकिन खुदा के लिए अभी हमारी पानी की तकसीम है। आप सुने जनाब स्पीकर, आप भी पसमांदा सूबे से हैं, 4.2 किलो क्यूसेक हमें मिलता है 1000 एकड़ के लिए, और मुल्तान को मिलता है 9.5 क्यूसेक। ये कहाँ का इंसाफ है? नौकरियां हमारी हैं, चोलिस्तान हमारा है, चोलिस्तान से जितनी, चोलिस्तान हमारा 66 लाख एकड़ है। अगर पाकिस्तान वहां के गरीब लोगों को, भावलपुर के वासियों को उस चोलिस्तान की सही तकसीम करें, उसमें काश्तकारी करें, 10 लाख भेड़े बकरियां गाय हैं जो 50 लाख तक पहुंच सकती हैं। हमारे चोलिस्तान का जो शहजादों के पास चोलिस्तान का हिस्सा है, उसकी आमदनी जो आती है वह लाहौर में जाके लगती है। जनाब स्पीकर, हमसे रोटी छीन ली गई, हमारे स्कूल छीन लिए गए, हमारी अस्पतालें छीन ली गई, हमें बिल्कुल नंगा करके खड़ा कर दिया है। हम कहें तो किसको कहें? मैंने खान साहब से कल भी गुजारिश की थी, कल भावलपुर वालों की मीटिंग थी, कि खान साहब खुदा के लिए हमारी तरफ देखें, हम शरीफ लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, ये मजहबी रियासत थी और हमने एक एक कुर्बानी में पाकिस्तान का साथ दिया है। आज भी हम 2 करोड़ लोग हैं, आज भी हम अगली साफ में आते हैं, लेकिन हम किसी मुल्तान के ताबे नहीं रहना चाहते। जनाबे वाला, मुल्तान ने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, यहाँ पे यूसुफ रजा वजीर आजम बना, उसने कहा जी मेरी माँ का घर है, मैं भावलपुर को, एक रत्ता पैसा उसने हमारे भावलपुर डिवीजन में नहीं लगाया। फिर कैसे कहते हैं आपके हम जनूबी पंजाब में मुल्तान की सरबराही मान लें? मुल्तान ने ना सूबा मांगा है, न अप्रूव किया है अपने किसी इलेक्शन में जनूबी पंजाब या सरायकी वालों ने, उनका सिलसिला है। खुदा करे वो पोठवार बनाए, मुल्तान बनाए, जो मर्जी बनाए, हमारा सूबा बहाल करना है। हम इसलिए आपसे यही गुजारिश करते हैं कि मुल्तान से हटकर, बेशक मुल्तान को बनाना है बना दें, लेकिन हमें उसमें शामिल न करें। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितने लोग हैं, जितनी हमारी आबादी है, उसमें आबादकार हैं, उसमें उर्दू स्पीकिंग है, उसमें पठान है, वो एक जन्नत की जगह है। जनाबे वाला, हमारा जो नवाब था वो अल्लाह का वली था, उसने लोगों को आबाद किया। जब उसने हेड पल्ला, हेड सुलेमान की हेड पंजत बनाया, हमारे आपस में रिश्ते हैं, हमारी कब्रें सांझी हैं। हमें वो चाहिए जो अब खान साहब के फैसला खान साहब पे छोड़ते हैं, कि हम खान साहब को कहेंगे आए खान साहब हमारा इलाका देखें। जनूबी पंजाब में एक जगह पे एक टैंकर पेट्रोल का उलट गया, गुर्बत का ये आलम था कि 150 आदमी झुलस के रह गए, कोई हुकूमत का नुमाइंदा वहीं नहीं पहुंचा। आज आप सुन रहे हैं लोगों की बातें, और कोई मैं भावलपुर सूबे का मैं वारिस हूं, मैं किसी और को वारिस नहीं बनने दूंगा। स्टेक होल्डर्स के पास जाना पड़ेगा, वो अख्तियार मेरे पास नहीं है। वो जो सूबे के लोग स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनसे बात करेंगे, आप जाहिर करेंगे कि आप जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत के आगे सरेखम है, आप वहां पे आप उसका वोटिंग कराएं। और अगर भावलपुर वाले ये कह दें कि हम जाना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहला बंदा हूंगा जो सर झुका दूंगा। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, हमारे भावलपुर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहां पे सबके बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं। हमारी जो अस्पतालें थी उसमें नाश्ता मिलता था, उसमें डेली मिलती थी मरीज को, और भावलपुर वो रियासत थी गवर्नमेंट कॉलेज के बाद 1886 में हमारा कॉलेज था, यहाँ पे तालीम मुफ्त थी, गरीब बच्चों को बाहर मुल्क भेजते था नवाब भावलपुर, नवाब भावलपुर लाहौर की अस्पतालों को अपना हिस्सा देता था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देता था, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वहाँ के वजीफा खार थे, अल्लामा खाकसार वहाँ के, ये वो रियासत थी जहाँ से इस्लाम की खुशबू आती थी, बड़े से बड़े आलिम और बड़ी मजहबी यूनिवर्सिटी भावलपुर में थी। आप कभी तशरीफ लाएं,
अगर आप साहबान आए तो मैं आपको चोलिस्तान ले जाऊंगा, वहां पे जीप रैली होती है, मुझे खुशी होगी कि मैं आपका मेजबान हूंगा। लेकिन खुदा के लिए इस मसले को इसी तरह ना छोड़े। आज अगर इसी बहाने नून वाले मुसलमान हो रहे हैं तो हमारा भी बनने दे, जनूबी पंजाब का भी बनने दे। सही। इसके ये सिलसिला आपने उठाना है। कि मैं आपको एक बात तारीखी जनाबे वाला मैं नोट कराना चाहता हूँ। सही है जी, आपका नुक्ता आ गया है। मैं आपको मैं आखिरी बात आपको मौका दिया है, अभी दूसरे भी और भी बात करना चाह रहे हैं। आखिरी बात है जनाबे वाला, हमारा भावलपुर सूबा सारी जमातों ने अपने मंशूर में रखा हुआ था, एएनपी ने, जमात इस्लामी ने, मुजीबुर रहमान की जमात ने, ये इतना पॉपुलर सूबा था, असगर खान ने, तहरीक इंसाफ ने, पीपल्स पार्टी के अलावा सारी जमातें इस पे नुमाइंदे मौजूद हैं। भावलपुर सूबा उनके, आप कहते हैं कि ये नई बात है, ये तीन जिलों वाला है, भाई पाकिस्तान जिस वक्त बना उस वक्त तो आपको याद नहीं रहा, ये तीन जिले हैं। हमकी 350 मील लंबी रियासत है जिससे पाकिस्तान मुकम्मल हुआ। जनाबे वाला आज आप कश्मीर 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 कर रहे हैं। सही जी, सही आपका आ गया नुक्ता। गलत फैसला किया और आज हम लड़ाई कर रहे हैं। अगर एक बादशाह ने, आपने उसके नाम पे एक सड़क नहीं रखी, मुझे अफसोस है कि जिस शख्स ने इतनी कुर्बानियां दी, जिसने अपनी हालत अपने हाथों से जमहूरियत को परवान चढ़ाया, काश के आप लोगों में इतनी हिम्मत और दलेरी होती कि आप कहते। कायद आजम ने कहा नवाब भावलपुर मोहसिन पाकिस्तान है। जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी ये मसला हो, तहरीक इंसाफ इस पर हमदर्दी से सोचे, और हम पार्टी के पाबंद हैं, पार्टी हमें जो हुक्म देगी, लेकिन हम स्टेक होल्डर्स में हैं, हमें आप हर जगह पे रखेंगे। सही। और हम अपने इलाके की नुमाइंदगी करेंगे कि जो बात हम करके आए हैं अपने वोटर से, उसको हम आखिर तक पहुंचा सके। सही, सही। जनाब मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब।